मेरी फिजिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माय वीडियोस, और कमेंट करके बताना मत भूलें कि आपको ये कैसी लगी। और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। अवर टॉपिक इज ज़ीमन इफेक्ट। ये हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर का टॉपिक है, जिसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जब भी एक लाइन दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट होती है, किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हमने, उसकी वजह से जब वो स्प्लिट हो जाए तो उसको हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। ये स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है, एक नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में, दूसरा एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो और उसकी एक सिंगल लाइन दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाए, फिक्स है एक सिंगल लाइन है, दो स्प्लिट होंगे, दो में स्प्लिट होगी, यानी कि एक अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी की मिले, कुछ उससे हायर की मिले, बट ओरिजिनल उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सर्कुलरली पोलराइज मिलेगी लाइट, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एक म्यू वन मिलती है, एक म्यू टू मिलती है, तो वो रोटेशन आपकी एक इधर डायरेक्शन में होगी, दूसरी सर्कुलरली इनर साइड, जब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें पाई कंपोनेंट ऑब्जर्व नहीं होता। जब परपेंडिकुलर टू बी हो, तो उसमें एक म्यू वन फ्रिक्वेंसी, एक सेंट्रल म्यू नोट और दूसरी म्यू टू। इनमें हम जो हमारी जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली होती है, उनको हम सिग्मा कहते हैं, जो सेंट्रल में ही मिलती है, जहां पर जितनी हमारी इनिशियल फ्रिक्वेंसी म्यू नोट थी, तो उसको हम कहते हैं पाई इफेक्ट। ये पाई जब एग्जिस्टेंस में आएगा, एक परपेंडिकुलर टू बी, एक पैरेलल टू बी, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस कर लेंगे। एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है, तो वो आएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक सिंगल लाइन पहले दो में हो रही थी, नॉर्मल है, अगर वो मोर देन थ्री कंपोनेंट्स में हो रही है, जब दो में थी तो दो सिग्मा, पाई उससे अपोजिट में दिखता है, परपेंडिकुलर में दिखता है, इसीलिए पाई कंपोनेंट भी उसमें दिख जाता है, तो इसमें टोटल तीन हो सकते हैं। जब उन तीन से ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो वो एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट होगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, वो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट है, उसी की क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की क्लासिकल थ्योरी ऑफ NZE, यानी कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट। जब भी तुम्हारा रोटेशन होगा, तो वो तुम्हारे किसी फोर्स पे, देखो हमने ये बात की है, सर्कुलरली पोलराइज होगी, तो सर्कल में रोटेशन होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है, उससे पैरेलल करें या परपेंडिकुलर करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उसमें फोर्स लगेगा, तभी सर्कुलरली पोलराइज होगी। तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तभी सर्कुलरली पोलराइज दिखेगी। तो एक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो ये हमारा तो जब उसमें रोटेशन हो रहा है, तो उसमें एक फोर्स सेटअप हो जाता है। वो फोर्स किसकी वजह से होगा? एक आपका रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन से। हम सर्कुलर फोर्स करते हैं mv² / r, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फर्स्ट सेंट्रिपिटल फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू mv² / r, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू mr²², जहां पे v लीनियर वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें बी की वजह से एक नया फोर्स आया, या जो सर्कुलर रोटेशन है, एक फोर्स सर्कुलर रोटेशन का, सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो जो टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा F± BeV। रोटेशन तो उसमें रहेगा ही सर्कुलर, तो वो mr² प्लस उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हमने कह दिया dω, तो mω + dω का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओपनिंग a + b का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा a² + b² + 2ab, उस फॉर्मूले से आता है mr² + mr dω² + 2mr dω। mr² दोनों साइड कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल आउट कर सकता है। तो BeV = mr dω² + 2mr dω। dω बहुत स्मॉल होता है, उसका स्केयर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, इसीलिए इस टर्म को नेगलेक्ट। तो हमारी जो टर्म्स हैं BeV, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इससे चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगा EB/2m। वी है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी ओमेगा को डी म्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम चेंज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π μ। फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है, वो वी की फॉर्म में करेंगे तो 2π v। और वैसे हम ओमेगा एक्स, यहाँ पर रोटेशन की वजह से हम अगर इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 2π μ। तो dμ = ± EB/4π
एम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है फ्रीक्वेंसी है वो सी अपॉन लैम्डा होता है, डी म्यू में चेंज करेंगे तो माइनस सी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इंटू डी म्यू। ठीक है, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी बाय फोर पाई एम। तो डी लैम्डा में चेंज जो है वो आ जाएगा प्लस, या प्लस माइनस की फॉर्म में करोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाय सी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ई बी बाय फोर पाई एम की फॉर्म में, जिसमें हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में म्यू प्लस वन प्लस माइनस डी म्यू है। हमने लास्ट टाइम जब ओमेगा को म्यू में किया, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा एंगल है, एंगल टू पाई, वन अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू, इस वजह से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होना कि आपने वो कन्वर्जन कैसे किया है। क्वांटम थ्योरी अगर हम इसी क्लासिकल थ्योरी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इसमें जो भी चेंजेस आते हैं म्यू, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं वो यहाँ से डी म्यू जो डी लैम्डा है या डी म्यू की फॉर्म में हम निकालते हैं वो आएगी। तो इसी का अगर हम क्वांटम थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो क्वांटम थ्योरी में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें जो रोटेशन होता है वो ऑर्बिटल रोटेशन की वजह से होगा, और ऑर्बिटल रोटेशन में म्यू एल जो होता है म्यू एल टू एल रेशो, डायपोल मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम की रेशो जो है म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बी बाय टू एम एल, एल की जो वैल्यू है तो स्केयर रूट ऑफ स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट की फॉर्म में होता है। तो इससे जब भी तुम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे किसी एंगल पर रखा होता है तो उसमें टोर्क ऑब्जर्व होता है, जिसमें ये माइनस साइन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। जब टोर्क ऑब्जर्व होगा तो म्यू एल बी साइन थीटा आपका फॉर्मूला होता है टाउ का। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, पहले अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री से शिफ्ट हुआ है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा होती है। तो पाई बाय टू से थीटा तक की हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू एल बी साइन थीटा डी थीटा पाई बाय टू से थीटा की लिमिट के लिए। जब इसमें म्यू एल और बी जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकल जाएंगी तो आपका इंटीग्रेशन साइन थीटा का आ जाता है कोस थीटा, लिमिट पुट करोगे कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू एल बी कोस थीटा, ये आपकी वैल्यू आई। म्यू एल की वैल्यू हमें पहले ही पता है ई बी ई एल अपॉन 2m है, हमने उसे पुट कर दिया तो जो vm है वो माइनस ई बी एल अपॉन 2m cos थीटा आ गया। जब हम एंगल की बात करते हैं तो डायपोल मूवमेंट्स में जब एंगल्स होते हैं वो आपके म्यू एल डायपोल मूवमेंट की वजह से b में शिफ्टेज होता है। डायपोल मूवमेंट l की है तो l की स्पिन्स जो है डायपोल मूवमेंट से उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एराइज होता है। जो cos ऑफ एंगल है अलग अलग स्पिन्स के, जो हमारी एल के वैल्यू है उसके लिए उसकी अलग अलग जो कोण बनता है वो अलग अलग डायरेक्शन पे मिलेगा। वो फर्स्ट एल एम एल की वैल्यू प्लस माइनस जो आपकी एम एल की एग्जिस्टेंस है वो प्लस माइनस एल तक करती है, तो उनके लिए सबके लिए एग्जिस्टेंस में आता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, तो वो प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी, तो वो एम एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इसमें एग्जिस्टेंस करता है। तो आपका माइनस ऑफ ई बी बाय टू एम, एल की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच कट, कोस थीटा की एम एल बाय रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन होता है। तो एम एल यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की एग्जिस्टेंस की वजह से आया, जिससे हम कोस ऑफ एंगल निकाल लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, हाइपोटेन्यूज एल देगा और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो एम एल से पता चलती है हमें कि आपका वो किस कंपोनेंट पे कितना इंक्लाइंड है, तो वो आपका एम एल बताता है। इसीलिए एम एल अपॉन स्केयर रूट ऑफ दिस, तो एम एल एज इट इज स्केयर रूट वाला पार्ट कैंसल आउट, तो बचा एम एल ई एच अपॉन टू एम इंटू बी। तो जो वी एम है वो आ जाएगा एम एल म्यू बी इंटू बी में, क्योंकि ई एच अपॉन टू एम म्यू बी होता है। तो म्यू नोट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो आपकी एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाई एच होता है, और टोटल एनर्जी आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड बी E इज इक्वल टू जो पहले इनिशियल एनर्जी थी E नोट प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेटअप होगी वो, तो आपका आ जाएगा E नोट प्लस एम एल म्यू, ये आपकी टोटल एनर्जी हुई। अगर हम उसे इनिशियल की एनर्जी लिखें तो वो I से डिनोट कर देंगे एम एल भी I का, और फाइनल की करेंगे तो वो नीचे F डिनोट कर देंगे एम एल में और E नोट में। तो आपकी ई एफ भी होगी फाइनल भी और ई इनिशियल भी होगी। तो जो म्यू फ्रिक्वेंसी है वो फाइनल माइनस इनिशियल होती है, बट एनर्जी नेगेटिव में होती है इलेक्ट्रॉन्स के केस में, तो माइनस ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच, तो दैट इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल अपॉन एच। तो हमने इसमें माइनस कर दिया है ये दोनों टर्म्स को, दोनों के टर्म्स करने से हमारी ये वाली टर्म ऑब्टेन हो गई, जिसमें एम एल आई माइनस एम एल एफ उसको हमने चेंज इन एम एल से डिनोट कर दिया। यह आपकी इनिशियल फ्रिक्वेंसी म्यू नोट है, ये चेंज इन एम एल है म्यू बी बी अपॉन एच एज इट इज रिमेन हो गए। एम एल म्यू बी, म्यू बी की वैल्यू ई एच अपॉन टू एम होती, ई एच कट बी अपॉन टू एम होती है, वो हमने पुट कर दी। एच कट से एच से रिप्लेस करेंगे तो वो टू पाई आ जाएगा, तो आ जाएगा ई बी अपॉन फोर पाई एम, दैट इज बोहर मैग्नेटोन। अगर हम इसके लिए एम
एल ऑर्बिटल जो हमारा पी ऑर्बिटल है उसके लिए करेंगे तो पी के लिए हमारा एल इज इक्वल टू होता है वन। एल वन है तो एम एल एग्जिस्टेंस में आता है प्लस हाफ से माइनस हाफ तक, तो प्लस एल यानी कि वन, दूसरा उसके बाद जीरो माइनस वन किया, उसके बाद फिर माइनस वन करेंगे तो वो माइनस वन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं होता, प्लस से लेके प्लस एल से लेके माइनस एल तक एग्जिस्टेंस में आती है, तो प्लस एल वन और माइनस एल माइनस वन, तो आपका वन माइनस वन जीरो और वन ये तीनों एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। तो म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री तीन एग्जिस्टेंस में आएंगी फ्रीक्वेंसी, तो म्यू नोट में प्लस ई बी बाय फोर पाई एम आ जाएगा, एम एल वन है तो एम एल वन है, एम एल जीरो है तो ये वाला टर्म ही जीरो, अगर एम एल माइनस वन है तो ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, तो ये ई बी बाय फोर पाई एम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एल इज इक्वल टू टू से एल इज इक्वल टू वन में ट्रांजिशन होती है तो एम एल में चेंजेस कौन कौन से पॉसिबल हैं, एक माइनस वन वाला, एक जीरो वाला और एक वन वाला। तो हमारे एल इज इक्वल टू टू के लिए प्लस एल से माइनस एल तक एम एस एम एल एग्जिस्ट करेंगे तो टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू फाइव एग्जिस्टेंस में आ गए। पी के लिए माइनस वन जीरो और वन, फर्स्ट ट्रांजिशन एम एल में चेंज क्या आ सकता है, माइनस वन चेंज होगा तो माइनस टू से माइनस वन में आ गया, एक माइनस बच गया, माइनस वन से जीरो में आ गया और फिर जीरो से माइनस वन में। अगर चेंज जीरो है तो यानी कि प्लस वन से प्लस वन में, जीरो से जीरो में ट्रांजिशन और माइनस वन से माइनस वन में। अगर ये चेंज प्लस हाफ है तो प्लस वन है तो एम इज इक्वल टू टू से वन में, वन से जीरो में और जीरो से माइनस वन में हो, तो जो चेंज इन एम एल कहेंगे वो वन होगा। तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट्स बता दिए हैं। इसी के साथ जो नॉर्मल इफेक्ट है जिसमें थ्री लाइंस में कन्वर्ट होता है, एक आपकी जो नॉर्मल ऑब्टेन है पाई फैक्टर है और उसके अलावा बाकी दो सिग्मा, उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम इस ट्रांजिशन स्टेट्स को दिखा सकते हैं। हमसे कई बार ये ट्रांजिशन स्टेट्स शो करने के लिए कहा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। इसी के साथ हमारा नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट कंप्लीट है। एनोमलस हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।